हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर। ये नाम मैंने मेरे से अभी मैक्सिमम वीडियो में क्रैक किसी भी एग्ज़ाम बोला जाता है, तो इसका अभी 4 साल से एक नाम बोल रहा हूँ, तो वो टाइम लगता है नाम मुंह पे आने में। ठीक है, तो अभी एक इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू की यानी कि वो स्टेटमेंट वायरल स्टेटमेंट आ रही है एनसी की, है स्पोक्स पर्सन तारीख, ऐसा कुछ नाम है उनका, तो उनकी आप वीडियो देख सकते हो। उसमें रिजर्वेशन उन्होंने बोला है, हमने कमेटी बनाई है और हम इसके ऊपर जो है वो काम भी करेंगे, और जो भी मसले होंगे बच्चों के उनको हम देखेंगे, उनके इश्यूज़ को जो है वो एज अर्लीस्ट जो है वो सॉल्व करने की जो है वो कोशिश जो है हमारी रहेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, आप इस वीडियो आउट आगे देखो। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पहले रिजर्वेशन के हवाले से भी बात चली थी, और अब जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, कल जीएमसी में हुआ था, आज जेबीसी में प्रोटेस्ट हुआ, तो क्या कुछ सरकार इस हवाले से करने जा रही है इन स्टूडेंट्स के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए? आज अभी मुझे आपके ही ज़रिए से पता चला, और अभी जो प्रोटेस्ट के बारे में हम सुन रहे हैं, अफसोस है कि हमारे जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट देख रही है इस पे, एक कमेटी भी बनाई है आज, जिसमें सकीना जी है, सतीश जी हैं और जावेद डार साहब हैं, वो भी एम्प्लॉयज़ का, और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर देखें। इससे पहले भी जो रिजर्वेशन पे है उस पे भी एक कमेटी बनाई है, जहाँ भी कहीं कुछ गलत हुआ है या अगर कहीं कुछ ऐसा है, गवर्नमेंट देखेगी, कमिटेड है। बट मैं बार बार और फिर से आपके ज़रिए लोगों से यही अपील करूंगा कि थोड़ा वक्त दीजिए इस गवर्नमेंट को, ताकि वो हर एक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बारीकी से देखे और उसको रिजॉल्व करे। देखिए, ऑफ हैंड कोई चीज़ करना ठीक भी नहीं है, हर एक चीज़।